नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि मंदिर और चर्च के बाद स्वर्ण मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, आज इसे पंजाब में होगी भारत जोड़ो यात्रा। वहीं राहुल गांधी के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर भड़की बीजेपी और अकाली दल, कहा पंजाब और सिखों के साथ किया विश्वासघात। वहीं 2023 में राहुल गांधी का सेमीफाइनल इम्तिहान, 2024 में पीएम मोदी को हराना संभव। वहीं वरुण गांधी की चिट्ठी से मुश्किल में आ गई भाजपा, यात्रा में राहुल गांधी को मिलेगा भाई वरुण गांधी का साथ। वहीं फिर से होगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने राहुल गांधी से मिला लिया हाथ। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से संभव, पार्टी में चर्चा हो गई शुरू। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बस यात्रा शुरू करने की कर दी घोषणा। वहीं राहुल गांधी कर रहे भारत जोड़ो यात्रा, उधर बंगाल में पूरी की पूरी कांग्रेस ही हो गई गायब। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, मंदिर और चर्च के बाद स्वर्ण मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, आज से पंजाब में होगी भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो आज से पंजाब में होगी। इससे पहले पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेका, इसकी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी। आपको बता दें कि खास बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस ने हाल ही में सत्ता गवाई है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी। कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की तनातनी हार की बड़ी वजह बनी है। इसके अलावा पार्टी आंतरिक कलह से भी जूझती रही है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पंजाब में एंट्री मारते ही सिखों को साधने की कर ली बड़ी तैयारी, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत पंजाब में पदयात्रा शुरू करने से पहले अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर में उन्होंने मत्था टेका। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा का पड़ाव मंगलवार को अंबाला में पूरा हो गया। अब भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश कर गई है। मंदिर में अरदास के बाद राहुल गांधी ने तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने इसके साथ लिखा कि गुरु के द्वारे श्री हरमंदिर साहिब पहुंचकर मानवीय मूल्यों में विश्वास और भी गहरा हो जाता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पंजाब में एंट्री मारते ही सिखों को साधने की बड़ी तैयारी कर ली है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर भड़की बीजेपी और अकाली दल, कहा पंजाब और सिखों के साथ किया विश्वासघात। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पहुंचे। पंजाब में यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। हालांकि कई नेताओं को राहुल गांधी का पंजाब जाना रास नहीं आ रहा है। कई विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस को सिख विरोधी बताते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी की स्वर्ण मंदिर यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि गांधी परिवार के उत्तराधिकारी राहुल गांधी का स्वागत करने में पंजाब कांग्रेस की उत्सुकता और खुशी को देखना शर्म की बात है। हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमृतसर दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने पंजाब और सिखों के साथ विश्वासघात किया है और सिखों के धार्मिक स्थलों को भी नष्ट करने की कोशिश की है, आज तक इस गांधी परिवार ने माफी नहीं मांगी है और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि क्या आपने भी सिखों के नरसंहार को सही ठहराने वाली अपने पिता राजीव गांधी की टिप्पणी का प्रायश्चित किया था। कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, खून का बदला खून से लेंगे के नारे लगाए थे, महिलाओं से रेप किया था, पुरुषों के गले में जलते टायर लपेटे थे, कमलनाथ और टाइटलर का दबदबा अब भी कायम है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के स्वर्ण मंदिर में जाने को लेकर विपक्षी नेताओं ने उन पर तीखा हमला किया है। श्रोमणी अकाली दल की नेता ने कांग्रेस को सिख विरोधी करार दिया है। अगली बड़ी खबर, 2023 में राहुल गांधी का सेमीफाइनल इम्तिहान, 2024 में पीएम मोदी को हराना संभव। यह आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष राहुल गांधी के चेहरे पर 2024 की जंग में उतरेगा। पहले कमलनाथ ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया और फिर कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी राहुल गांधी को लेकर सहमति जताई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2024 में विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे? क्या 2024 में मोदी को हराना संभव है? आपको बता दें कि फिलहाल कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का खुला समर्थन किया है। वहीं शरद पवार भी राहुल गांधी का समर्थन कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने भी राहुल गांधी को समर्थन दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी ही होंगे और ऐसा भी संभव है कि 2024 में वो पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दें। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बदली है और राहुल गांधी पूरे बदल गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी की जंग होगी।
अगली बड़ी खबर, वरुण गांधी की चिट्ठी से मुश्किल में आ गई भाजपा, यात्रा में राहुल गांधी को मिलेगा भाई वरुण गांधी का साथ। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। वो लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के यूपी पहुंचने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी उन पर बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें चल गई। आपको बता दें कि एक बार फिर वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर चिट्ठी लिखकर हमला बोला है। कुछ समय पहले बीजेपी ने एक योजना लागू की थी जिसमें रेयर डिसीज के मरीज को 50 लाख रुपए देने का प्रावधान था, लेकिन वरुण गांधी ने सवाल उठाया है कि अभी तक उस योजना से किसी को भी लाभ नहीं हुआ है। वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। महंगाई को लेकर भी उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं किसानों का मुद्दा भी उठाया। आपको बता दें कि एक बार फिर वरुण गांधी ने चिट्ठी लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले समय में वरुण गांधी को टिकट ही नहीं देगी, तो उनको किसी और पार्टी में शामिल होना होगा। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि वरुण गांधी जल्द ही अपने भाई का साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आपका क्या मानना है? क्या वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए और अपने भाई राहुल गांधी की ताकत को बढ़ाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर फिर से होगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने राहुल गांधी से मिला लिया हाथ। यहां आपको बता दें कि ग्वालियर के डबरा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन और मजदूर महापंचायत को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवा भाजपा का रंग नहीं है, भाजपा की तो काली टोपी है, भाजपा उसे ओढ़ ले। आपको बता दें कि इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी से हाथ मिला लिया। आपको बता दें कि बल्कि किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले इनकार किया था कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन 9 जनवरी को उन्होंने हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया और राहुल गांधी से मुलाकात की। उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी था, कई किसान मौजूद थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात कर अपने मुद्दे उठाए, जिस पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और राकेश टिकैत ने हाथ मिला लिया है। अब माना जा रहा है कि एक और फिर से बड़ा किसान आंदोलन होगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद दूसरा चरण 2 अक्टूबर से होगा शुरू, पार्टी ने कर दिया ऐलान। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। कांग्रेस ने यात्रा के पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के मुताबिक राहुल गांधी 2024 चुनाव से ठीक पहले गुजरात से शुरू होने वाली यात्रा को अरुणाचल प्रदेश में खत्म करेंगे। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही यात्रा से मिले समर्थन से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने इस बाबत चर्चा शुरू कर दी है कि दक्षिण से उत्तर तक भारत भ्रमण करने वाले राहुल गांधी अब पश्चिम से पूर्व की तरफ भी वैसी ही यात्रा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। यात्रा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाएगी। यात्रा गुजरात के पोरबंदर या फिर साबरमती आश्रम से शुरू होगी। यह यात्रा लगभग 3100 यानी 3100 किलोमीटर चलेगी, जबकि पहला चरण 3570 किलोमीटर का था। यात्रा अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड में खत्म होगी। दूसरे चरण की यात्रा में 140 से 150 दिन लगने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस अब भी कह रही है कि चर्चा चल रही है, सुझाव आए हैं, लेकिन अब तक तारीख तय नहीं है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज को लेकर कई तरीके के सुझाव मिले हैं और चर्चा जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में जिस तरीके से आम लोग राहुल गांधी से जुड़े, इसके बाद ही यात्रा के दूसरे चरण की चर्चा होने लगी और अब कवायद इसकी रणनीति भी बनाई जा रही है। कांग्रेस को लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले अगर भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का मोमेंटम बनाए रखना है तो दूसरा चरण करना ही चाहिए, ताकि इस समर्थन को वोटों में तब्दील किया जा सके। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में काफी लगन से लगे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राहुल गांधी के यात्रा छोड़कर विदेश जाने संबंधी आशंकाओं को भी उन्होंने ब्रेक के दौरान दिल्ली में रहकर खारिज कर दिया। यात्रा का दूसरा चरण राहुल गांधी की मेहनत को चुनावी सफलता में तब्दील करने की कांग्रेस की बड़ी कोशिश है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस ने बस यात्रा शुरू करने की कर दी घोषणा। सिद्धारमैया ने भाजपा पर बोला तीखा हमला। यह आपको बता दें कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बस यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत बेलगावी से करेगी। मंगलवार को यात्रा के लोगों का अनावरण करते हुए कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी के शिवकुमार ने भाजपा के खिलाफ तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई
है, राज्य में लूट मची है, कर्नाटक का विकास रुक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति और राज्य को पंगु बनाने वाली नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि यह यात्रा भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बस यात्रा के लिए दो ग्रुप बनाए जाएंगे, एक ग्रुप का नेतृत्व खुद करेंगे जबकि दूसरे ग्रुप का नेतृत्व डीके शिवकुमार करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले यह यात्रा राज्य के सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा के खिलाफ चार्जशीट जारी की है, उन्होंने अनैतिक तरीकों से सरकार बनाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश में बीजेपी पर हमलावर हो गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी कर रहे भारत जोड़ो यात्रा, उधर बंगाल में पूरी की पूरी कांग्रेस ही हो गई गायब। ये आपको बता दें कि लोकसभा की 42 सीटों वाली पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पूरे तरीके से गायब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य में विधानसभा चुनाव के 20 महीने हो चुके हैं, करारी हार के बाद कांग्रेस में फेरबदल की बात कही गई थी जो अब तक अमल में नहीं आ पाया है। राज्य की बागडोर विधानसभा चुनाव से पहले अधीर रंजन चौधरी को सौंपी गई थी। चुनाव में हार के बाद अधीर रंजन चौधरी ने हाईकमान से इस्तीफा लेने के लिए कहा, हालांकि उनका इस्तीफा होल्ड कर दिया गया। 2021 में हार के बाद कई नेता पार्टी छोड़ गए, जिला स्तर पर भी कई नेता निष्क्रिय हो गए, लेकिन राज्य में संगठन का विस्तार नहीं हो पाया। कांग्रेस ने दिसंबर 2021 में एच चेल्ला कुमार को अंतरिम प्रभारी नियुक्त किया, उनके पास पहले से ही दो राज्य थे, वहीं अधीर रंजन चौधरी के पास भी लोकसभा में कांग्रेस नेता का पद है। ऐसे में राज्य संगठन के विस्तार नहीं होने की बड़ी वजह फुल टाइम अध्यक्ष और प्रभारी का नहीं होना है। आपको बता दें कि फिलहाल इधर राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनकी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी गायब हो गई है। अगली बड़ी खबर, अब मार्शलों की मौजूदगी में होगा पार्षदों का शपथ ग्रहण, जल्द मिलेगा दिल्ली को नया मेयर। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में मनोनीत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के रुख में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। इस मुद्दे पर दोनों दलों में टकराव बना हुआ है। ऐसे में मार्शलों और पुलिस की सुरक्षा में पार्षदों का शपथ ग्रहण कराने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम प्रशासन की ओर से शपथ ग्रहण और मेयर पद के लिए मतदान कराने के लिए नई तिथि घोषित करने के लिए उपराज्यपाल को अनुरोध किया जा चुका है। शपथ ग्रहण और मेयर पद के लिए मतदान अगले सप्ताह में होने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल को इस बात की सलाह दी गई है कि यदि दोनों दल आपसी सहमति से मतदान कराने पर सहमत नहीं होते हैं तो इसके लिए मार्शलों और अन्य सुरक्षा अधिकारियों का सहयोग लिया जा सकता है। उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस से भी इस बात का अनुरोध कर सकते हैं कि वो मेयर पद का चुनाव कराने में नगर निगम प्रशासन का सहयोग करें। इस पर अंतिम निर्णय उपराज्यपाल को ही लेना है। अगली बड़ी खबर, यूपी के मंत्री ने सोनिया गांधी को इटालियन बताकर बोला जबरदस्त हमला, कहा ये देश के नाम पर धब्बा, इन्हें निकालो बाहर। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के पुजारी और तपस्वी वाले बयान पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति क्या इस देश की संस्कृति के बारे में बताएगा। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी इटालियन है, इस देश के नाम पर धब्बा है और हमारा कर्तव्य है कि हम हर अंतिम अंग्रेज को इस देश से बाहर करेंगे। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तब ये बाहरी महिला सोनिया गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहती थी और उस समय के नेतृत्व और राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये कहा कि बाहरी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को नकार दिया है, जीतने के बाद आज तक कभी वहां के लोगों के बीच में नहीं गई, तो ये बाहरी नहीं तो और क्या है। आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने पुजारी और तपस्वी वाले बयान पर कहा कि देश के पुजारियों ने ही इस देश को बनाया है, इन बाहरी लोगों को यहां के संस्कार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनकी उम्र 50 साल हो गई है लेकिन बहन के गाल पर चुम्मी लेते हैं जिसके प्रियंका गांधी भी असहज महसूस करती है। ऐसा व्यक्ति इस देश की संस्कृति के बारे में बताएगा, इन लोगों को शर्मानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, 40,000 अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू, 6 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद होगी तैनाती। ये आपको बता दें कि जून 2022 में अग्निवीर योजना की घोषणा की गई थी। देश भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगहों से आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थी, लेकिन इस योजना को बंद नहीं किया गया। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के तहत देश भर में युवाओं की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निवीरों की ट्रेनिंग जारी है। अग्निवीरों का पहला बैच हैदराबाद में अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। 8 महीने की सख्त ट्रेनिंग
के बाद ही सेना में उनकी तैनाती की जाएगी। भारतीय सेना के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। भर्ती हुए जवानों ने 25 से 31 दिसंबर के बीच में सेना के अलग अलग रेजिमेंटल सेंटरों में रिपोर्ट किया है। अग्निवीरों के पहले बैच में महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 40,000 अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है और 6 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद जल्द उनकी तैनाती की जाएगी। अगली बड़ी खबर, 2024 में बड़ी जीत हासिल करने के लिए जेपी नड्डा ने 7 घंटे तक नेताओं के साथ किया बड़ा मंथन। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने 2023 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ में दिल्ली में करीब 7 घंटे की बड़ी बैठक की। सूत्रों ने बताया कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बूथ को सशक्त करने, वरिष्ठ नेताओं के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम और भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन से लोगों को जोड़ने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम का उद्देश्य बीजेपी के चिन्हिता उन 160 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना है जिन पर उसका प्रदर्शन परंपरागत रूप से अच्छा नहीं रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने 2023 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसके लिए जेपी नड्डा ने 7 घंटे का महामंथन किया है। अगली बड़ी खबर, भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में और वृद्धि हो सकती है। अधिकांश जगहों से शीतलहर थम सकती है। पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में घने बादल छाए रह सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तीव्रता में कमी आ सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में भारत जोड़ो यात्रा कुछ काम कर पाएगी? क्या राहुल गांधी अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।